दीगर शोबों की तरह महकमत सेहत भी इस वक्त जबू हाली का शिकार है ढाई लाख से ज्यादा नफूस पर मुश्तमिलगी के आवाम जिंदगी की बुनियादी सहूलियात से यकसर महरू हैं जिले हेडकोर्टर अस्पताल समेत चागी भर के अक्सर और बेशतर सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर समेत अदवियात न होने के बराबर हैं गरीब आवाम बिलखसूस बीमार एमरजेंसी में जख्मी होने वाले अफराद को मामूली से इलाज और मुआवजे के लिए तीन सौ किलोमीटर दूर कोयटा ले जाना पड़ता है जहाँ पर इजाफी अखराज के अलावा दूर दराज से सफर करने से मुतासर मरीज और उनके वर्षा को सख्त मुश्किल का सामना करना पड़ता है बिलखसूस जचगी के दौरान ख़्वान की शराम में इजाफा सेहत की बुनियादी सहूलियात की कमी को वाज कर देती है सुबह और महकमा सेहत आवाम को सेहत की बुनियादी सहूलियत की फरहमी के लिए बुलंदबांग दावे कर तो रही है मगर चागी में अमली तौर पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा चागी के आवाम सेहत के हवाले से आज भी मसायल का शिकार हैं। अस्पतालों में डॉक्टर और की कमी ने लोगों को प्राइवेट अस्पतालों का रुख करने पर मजबूर कर दिया है जो कि हल तलब मसला है अवमी और समाजी हलकों ने सूबाई महकमा सेहत और आला हुकाम से मुतालबा किया कि चागी के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर समेत अद्वियात की कमी को पूरा करने के लिए ठोस इकदाम किए जाए ताकि लोगों को बेहतर अंदाज में सेहत की बुनियादी सहूलियात मयसर आ सकें वश न्यूज़ चागी